वेरी लॉनली शी बाय मोतीलाल जोतवानी, जो सिंधी में लिखी गई है, अकेली अकेली हूँ, और इसके जो ट्रांसलेटर हैं वो हैं डॉक्टर नंदलाल जोतवानी, हीज ब्रदर। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि ये सिंधी लैंग्वेज में है, और सिंधी लैंग्वेज जो है पाकिस्तान में बहुत फेमस लैंग्वेज है। इट इज़ स्पोकन बाय अप्रॉक्सीमेटली 18 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान। 18 मिलियन लोगों के द्वारा ये लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है, और थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है पाकिस्तान की, और ऑफिशियल लैंग्वेज भी है पाकिस्तान में, और इंडिया में भी बोली जाती है, और इट इज़ ऑल्सो मेड एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। और क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान है वो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है एक्चुअली, दैट इश्यूज़ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स टू इट्स सिटीज़न इन दिस लैंग्वेज। तो उर्दू के साथ साथ इस लैंग्वेज में भी वो उनको जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो उनके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं। तो इस लैंग्वेज में ये लिखी गई है सिंधी लैंग्वेज में। तो अब हम इसके जो है कैरेक्टर्स पर चलते हैं। इसके अंदर 3 मेन कैरेक्टर हैं, पूरन मौसी, विमला और मनोहर। तो जो पूरन मौसी और विमला हैं ये दोनों सिस्टर्स हैं, और जो मनोहर है ही इज़ द सन ऑफ विमला, विमला का बेटा है और नरेटर है, क्योंकि उनके नज़रिए से इस कहानी को लिखा गया है, सो ही इज़ अ नरेटर। अब क्या होते हैं यहाँ पर, मैं आपको स्टोरी पर थोड़ा सा ले जाती हूँ। पूरन मौसी जो हैं उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया होता है, शी इज़ अबैंडन्ड बाय हर हस्बैंड, और वो जो है अपने पेरेंट्स के साथ रहना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उसके बाद शी वॉज लेफ्ट अलोन, मतलब वो अकेली रह जाती हैं। पहले शुरुआती दिनों में वो क्या कहते हैं, एक डोमेस्टिक स्कूल चला रही होती हैं फॉर वुमेन, और जो उनकी फिर ओल्ड एज आती है तो उसके लिए फॉर सर्वाइविंग वो क्या करती हैं कि उनका जो स्कूल है उसको बेच देती हैं। अब उनके पास सिर्फ उस घर का जो है एक पोर्शन रह जाता है जिसको रेंट पर दे देती हैं, और उस पोर्शन के रेंट से अपना जो है डेली का जो उनका स्पेंडिंग्स होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको वो क्या करती हैं अपना चलाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि वो शी वॉज़ नॉट एबल टू अफोर्ड एनी मॉडर्न कन्वीनियंस, लाइक टेलीविज़न नहीं था उनके पास, फ़ोन नहीं था, बल्कि न्यूज़पेपर भी नहीं था। तो ये उसके अंदर दिखाया गया है कि हाउ शी वॉज स्पेंडिंग हर लाइफ। एक तो शी वॉज लोन, और दूसरी चीज़ है एक तो अलोन थी, और दूसरी चीज़ ये है कि शी वॉज हार्डली एबल टू यू नो जस्ट अफोर्ड हर मील। तो ये उनकी कंडीशन चल रही थी उस समय। तो अब क्या होता है कि जो मनोहर है वो एक बार उनको विज़िट करता है, ही वॉज ही इज़ वे टू आगरा, लेकिन वो फिर वहाँ ना जाकर जो है रुक जाता है बीच में, और जो है अपनी मौसी पूरन मौसी को विज़िट करता है। तो जब उनको देखता है तो उनसे पूछता है कि मतलब तुम्हें बहुत अकेला फील होता होगा, तो वो उनको एक बात बोलती हैं कि लाइफ बिकम्स द वे यू मोल्ड इट, मतलब लाइफ वैसी बन जाती है जिस साँचे में तुम इसे ढालते हो। एक्चुअली एक इंसिडेंस है, जब उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया था तो उस समय वो जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं उनके साथ रहती होती थी, तो उनका जो बेटा है ब्रदर इन लॉ का, यानी इनका भतीजा, वो उनको बोलता है कि प्लीज़ चाची लीव अस, सॉरी फॉर गॉड सेक लीव अस। तो वो जब ये लाइन बोलता है कि फॉर गॉड सेक चाची लीव अस अलोन, तो वो चीज़ उनको बहुत हर्ट करती है। बट फिर भी वो उसकी जो कड़वाहट होती है, बिटरनेस होती है, उसको अपने अंदर रखती नहीं है, और इतनी सारी बिटरनेस को फेस करने के बाद भी, इतने सारे बिटर एक्सपीरियंसेस के बाद भी, वो खुद से सॉर नहीं होती, मतलब उनका नेचर ऐसा नहीं होता, शी वॉज स्वीट इनफ। तो अब क्या होता है कि मतलब वो एक तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी होती हैं कि वो लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर चुकी होती हैं। जिस भी कंडीशन में उनकी लाइफ को चल रही है वो उसे कंप्लेंट नहीं करती, बल्कि वो उसको एक्सेप्ट कर चुकी हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उन चीज़ों को भूल जाती हैं, वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाली लेडी हैं, और जहाँ से भी उनको इस तरह की चीज़ कुछ भी मिलती है, डिसरिस्पेक्ट मिलती है, तो वो वहाँ दोबारा नहीं जाती हैं।
तो आगे इसके अंदर दिखाया जाता है कि व्हेन शी वॉज टॉकिंग टू मनोहर, तो वो विमला के बारे में पूछते हैं, अपने सिस्टर के बारे में पूछती हैं, तब मनोहर उनको बताता है कि जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं यानी कि जो विमला के हस्बैंड हैं, ही इज़ डेड, कि अब वो नहीं रहे। तो फिर जो मौसी हैं उनको बहुत शॉक लगता है क्योंकि फैमिली में इस तरह की चीज़ हो जाने के बावजूद भी उनको बताया नहीं जाता। तो ये द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ रिलेटिव टूवर्ड पूरन मौसी इज़ क्वाइट क्लियर हियर। तो यहाँ पर क्लियर है कि किस तरह से उनके रिश्तेदार जो हैं, रिलेटिव जो हैं, मतलब उनको पूछते नहीं हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई हुई है। पूरन मौसी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि शी वॉज़ अ लेडी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट दो शी वॉज़ ओल्ड, तो इतना कुछ भी हो जाने के बाद शी वॉज नॉट सॉरी इनफ, वो अपने मन में उस कड़वाहट को नहीं रखती थी, बट उनकी लाइफ को यहाँ पर प्रॉपरली दिखाया गया। अच्छा, यहाँ एक डिफरेंस दिखाया गया है, जो उनके ब्रदर इन लॉ का बेटा था और जो यहाँ पर मनोहर है, उसमें एक डिफरेंस दिखाया गया है कि जो उनका ब्रदर इन लॉ का बेटा था वो कभी उस चीज़ के लिए उसने गिल्टी फील नहीं किया कि उसने उसको लाइन बोली थी कि फॉर गॉड सेक चाची लीव अस अलोन, लेकिन उसके लिए उसने कभी गिल्टी फील नहीं किया, ही नेवर केम टू हर। लेकिन मनोहर जो है ही विजिटेड हर, और उस चीज़ के लिए कि उसने अपनी मौसी को उनकी डेथ के बारे में, जो पर्सन की डेथ हुई उनके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, तो इसके लिए ही वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली गिल्टी, मतलब वो पूरी तरह से उस चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पूरन मौसी हैं जब वो ये न्यूज़ सुनती हैं मनोहर से, तो वो उसको बोलती हैं कि तुम जो बड़े शहरों के बच्चे होते हो या बड़े शहरों के लोग होते हो, सच एज दिल्ली, दिल्ली के लिए यहाँ लिखा गया है कि जो तुम लोग होते हो मेट्रो सिटीज़ के बच्चे, उन लोगों को इतना भी टाइम नहीं होता कि वो मतलब अपनी रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर सकें या कुछ भी। तो इस तरह से वो यहाँ पर बोलती हैं, एंड यहाँ पर यही दिखाया गया है कि मनोहर फील्स रिग्रेट फॉर दैट, अ फार्मर डज नॉट हैव एनी सच फीलिंग। तो जो दूसरा पर्सन है जिसने बोला है उसको कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती। तो वो एक्चुअली ये पूरा जो है ये इट इज़ कि जो मेट्रो सिटीज़ के यंग जनरेशन है दे हैव नो टाइम फॉर देयर रिलेटिव्स। सो इट वॉज़ एंटायर स्टोरी, होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट और इट हेल्प्ड यू, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू।